नमस्कार, मैं हूं कविता मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल एवन न्यूज टीवी में। रुक करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों की तरफ। रामनवमी पर हिंसा की खबरों पर बोले राहुल गांधी, कहा नफरत, हिंसा और बहिष्कार देश को कमजोर कर रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स को लेकर शरद पवार ने भाजपा पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा सत्ता में बैठे लोगों ने इस फिल्म का प्रचार किया है। मुंबई पुलिस ने दादर इलाके में शिवसेना मुख्यालय के सामने एक लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने पर मनसे के 4 कार्यकर्ताओं को रविवार को हिरासत में ले लिया। मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर के मकान पर चला योगी का बुलडोजर, 50,000 का घोषित है इनाम। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे गोद लेने के लिए एक समान कानून की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस भेजा है। कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू, दोनों ओर से फायरिंग जारी। मध्य प्रदेश के खरगोन में जुलूस पर पथराव, गृहमंत्री बोले 70 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार। गाजियाबाद के किनौनी गांव में सोमवार को एक झुग्गी बस्ती में भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 20 गायों की मौत हो गई। रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर ईयू ने सुरक्षा कारणों की वजह से 20 रूसी एयरलाइन को ब्लैकलिस्ट किया। पाकिस्तान की संसद ने सोमवार को देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शहबाज शरीफ को चुन लिया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एवन न्यूज टीवी। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें एवन न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।